देखिए जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, इंग्लिश की जब भी बात आए परेशान मत होना, आपका भाई हमेशा आपके साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है? एवरीबॉडी, एम आई कंप्लीटली ऑडिबल? एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर देंगे इफ एवरीथिंग इज फाइन? शुरू करें? चलिए भाई, सो व्हाट एन इंपॉर्टेंट सेशन वी आर गोइंग टू हैव। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। अब आवश्यक है यह समझ लेना कि सीएचएसएल की जो वैकेंसी है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी साथियों के लिए जो ट्वेल्थ पास कर लिए हैं या जिन्होंने इस साल एग्जाम दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस चीज को ही क्लियर कर दूं, जिन्होंने इस साल ट्वेल्थ के एग्जाम दिए हैं समझ लीजिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और इसके लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1 अगस्त है। तो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ठीक है? दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। आप सबके लिए एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना? ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी साथियों के लिए, और इसी चीज का ध्यान रखते हुए आज का ये सेशन रखा है। शुरू करें, सारी चीजों को जानेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है? पहले मैं जो बताऊं वो सुन लेना और फिर जो आपके डाउट्स हैं वो भी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? प्लीज एवरीवन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने जो है वो यही है। आज कल से फॉर्म फिलिंग देर रात शुरू हो चुकी है, 7 मई तक होने वाली है। अगर फॉर्म फिल कर दिया, फीस पे नहीं हुई, तो फीस पे की लास्ट डेट 8 मई है। अगर आप लोगों से कोई गलती हो गई है फॉर्म फिलिंग करने में, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, वो 10 मई को होगा। ये 10 मई से लेकर 11 मई तक, यानी 2 दिन के लिए रहेगा। बहुत ध्यान से सुन लो, सारे पॉइंट्स खत्म कर दूंगा आने वाले 5 से 10 मिनट में। एग्जाम की डेट्स हमारे सामने है, जून में नहीं है, जुलाई में है। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, फिर 8, 9, 10, 11, 12, इस तिथि में आपका एग्जाम है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। टीयर 2 का एग्जाम कब होगा ये बता दिया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो जेएसए आप जानते हैं, इसमें इसके साथ साथ डीओ का पोस्ट होता है, एक लेवल 2 का पोस्ट है, एक लेवल 4 का। लेवल 2 का पोस्ट है जिसमें हम बात करें एलडीसी और जेएसए है, 19,900 से 63,200 तक का सैलरी होता है। एचआरए वगैरह मिला दें तो बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहां मिल जाता है, ठीक है? इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें डीईओ, तो यहां भी 25,500 से 81,100 का सैलरी है। लेवल 5 पर जब जाते हैं, इसका ग्रेड आगे होता है, तो उसमें 29,000 से लेकर 92,000 है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। ये डीईओ ग्रेड ए है, ये मिनिस्ट्रीज में होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा। इसका भी अगर हम सेगमेंट देखें तो यहां पर 25,500 से 81,100, तो सैलरी स्ट्रक्चर ध्यान रखना। लगभग 30+ बोलते हैं ना, 30 और 40 के बीच में सैलरी रहता है, विच इज वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए डाउट क्लियर कर लेना। फॉर्म फिलिंग से पहले डाउट क्लियर कर लेना, और एक विशिष्ट निवेदन है, लास्ट डे का वेट मत करना, क्योंकि एसएससी बार बार यही कह रहा है लास्ट डे पर सर्वर वीक होता है, आप परेशान होते हो और फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, देखो पिछले साल जब नोटिफिकेशन आया था सिर्फ 1600 वैकेंसीज थी, और बाद में ये वैकेंसी और डिडक्ट हो गई थी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। इस साल तुलनात्मक रूप से वैकेंसी ज्यादा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 8,000 होनी चाहिए थी, कुछ लोग बोल रहे हैं 10,000 होनी चाहिए थी। देखिए अभी हमें यह समझना है कि हमें एक सीट चाहिए और हमें उसके लिए शानदार कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, कहो हाँ या ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो ये 3,712 वैकेंसीज हैं, टेंटेटिव हैं, ये ध्यान रखिएगा, कम बढ़ सकती हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़े, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट।
एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए। देखिए काफी सारे विद्यार्थी हैं जो एज लिमिट को लेकर परेशान होते हैं कि सर एज लिमिट क्या है। देखिए एज लिमिट बहुत ही स्पेसिफिक रखा गया है, 1 अगस्त, पिछले बार भी यही था 1 अगस्त 2023, बस जो बता है वही बता रहा हूं। इस बार भी 1 अगस्त 2024 रखा गया है, 23 के बाद 24 है। अब 24 आ चुका है तो यहां समझ लीजिए जिन्होंने इस बार फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने इस बार 12th दिया है, वे सब इसको फिल कर सकते हैं। द क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग इज फिक्स्ड 1 अगस्त 2024, ठीक है, जो प्रोविजन है उसके आधार पर। इसका मतलब एज लिमिट 18 से 27। अब ध्यान दीजिए 18 से कम किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो रिलैक्सेशन में सोचते हैं कि सर हम 17 के हुए हम भर दें हम इस कैटेगरी से, तो नहीं, जो भी रिलैक्सेशन होगा वो अपर एज पर होगा। ये पहला डाउट जो काफी विद्यार्थियों का रहता है। अब सर कब से कब तक के बीच में, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसका मतलब आप 1997 से पहले बॉर्न नहीं हो और 2006 के बाद नहीं, अब वो भी 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं। ये डाउट समझ लीजिए क्या है, 2 अगस्त 1997 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी, हालांकि ये सबके लिए सेम होगा, और 1 अगस्त 2006 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। रिलैक्सेशन एज पर एज कैटेगरी 5 साल 3 साल 10 साल 13 साल, और ये अपर एज पे काउंट होता है। ये किस पे काउंट होगा, अपर एज पर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। तो एज रिलैक्सेशन ध्यान रखिएगा, एज पर एज जो भी एसएससी के नॉर्म्स हैं वो आधार ही है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां भी एक चीज तय कर दूं, बता दूं पहले ही कि वही तारीख रखी गई है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 तक ही आपका कंप्लीट सेगमेंट होना चाहिए। अब सर हमने फॉर्म फिल कर दिया, उसमें नहीं आ रहा है कि हमारा तो रिजल्ट नहीं आया, सुन लीजिए इस चीज को। अब ऐसे में इस चीज को समझना आवश्यक है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो वहां एक ऑप्शन रहता है कि अभी आप 12th पास किए, तो ये देखो लिखा है 1 या 1 से पहले आपका रिजल्ट आउट होना आवश्यक है, ठीक है। अब सुन लीजिए कुछ लोग क्वालिफिकेशन को लेके कंफ्यूज थे, अभी मैंने जब सेशन लिया था वहां भी, तो यहां पर सेशन को क्लियर कर लेते हैं डाउट को कि सर हम कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, इससे हैं, उससे हैं, फिल कर सकते हैं या नहीं। 12th में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है तो आप कम से कम इसके लिए तो एलिजिबल है जो LDC और JSA है। ध्यान रखिए ग्रेड ए जो DEO का पोस्ट है, ध्यान से सुनिए, ग्रेड ए का सिर्फ उसी में स्पेसिफाई है 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, यानी कॉमर्स वाले से फिल नहीं कर सकेंगे, आर्ट्स वाले फिल नहीं कर पाएंगे, साइंस स्ट्रीम जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो DEO ग्रेड ए के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो अपियर हुए हैं एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो रिजल्ट है, वो 1 अगस्त से पहले आना आवश्यक, ठीक है। ये दो बातें, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे आते हैं, देखिए LDC JSA DEO DEO ग्रेड ए एक्सेप्ट DEO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, जो पता दिया अभी, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड, आपने सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। अब यहां कुछ लोग सोचते हैं कि सर हमारी 60% होगी तभी करेंगे, नहीं, पास होना आवश्यक है, सेकेंड डिवीजन है तब भी चलेगा, ठीक है। इट इज रिटरेटेड कि भाई रिजल्ट जो डेट क्रूशियल दी है तब तक आपके पास होना चाहिए, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निरस्त कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ रिक्वायर्ड, देखिए भाई फोटोग्राफ का प्रोसेस आपको भी पता है, इस वर्ष से एक नया प्रावधान आ गया है लाइव फोटो का, ठीक है, लाइव फोटो का एक प्रावधान आ चुका है। जैसे कि आपको पता है वेबकैम के थ्रू या SSC के एप्लीकेशन के थ्रू, उसमें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना गुड लाइट, प्लेन बैकग्राउंड, कैमरा आंख के लेवल पर होना चाहिए, आंख के लेवल पर होना चाहिए, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लुक स्ट्रेट अहेड। कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट है सुन लो, कैंडिडेट शुड नॉट वियर कैप, मास्क, ग्लासेस। अगर आप ग्लास मेरी तरह लगाते हैं तो हटा के फोटो क्लिक कराइएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्म रिजेक्शन में आप लोगों के लिए खतरनाक होता है, ठीक है। Tier 1 क्वालिफाइंग होगा, अभी बता रहा हूं बस उसी चीज को, पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, जो सिग्नेचर है वो स्कैंड रहेंगे, उसका डेटा दिया हुआ है, ब्लर नहीं होना चाहिए वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ब्लर नहीं होना चाहिए वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर सुन लो, जो लोग चश्मा लगाते हैं,
जब आप पिक्चर अपलोड करोगे लाइव अपना, मतलब अपलोड इन द सेंस लाइव कैप्चर करोगे विदाउट स्पेक्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फीस 100 रुपीज है, जिसमें विमेन कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, बाकी सभी साथियों को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, एससी एसटी के साथी, पीडब्ल्यूडी के जो हमारे साथी हैं, एक्स सर्विसमैन है, ये सब एग्जेम्प्ट है। तो 100 रुपीज फी है, बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हमारे साथियों के लिए। चलिए, एग्जाम सेंटर एक बार आपने चुन लिया तो किसी प्रकार से बदलाव नहीं होगा, ठीक है। सर ट्वेल्थ में 92% परसेंट, यार मैंने बोल दिया है तुम लोगों को कि कोई परसेंट नहीं मांगा गया है, ट्वेल्थ पास मांगा गया है, फिर भी नहीं, हमारी 92% है, हमारी 96 है, हमारी 90 है, हमारी 60 है, का करें, पास होना बहुत है, ठीक है। तो किसी प्रकार से सेंटर चेंज नहीं होगा, इसीलिए सेंटर फिल करते समय ध्यान दें। एग्जाम पैटर्न और स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं, फिर आएंगे सिलेबस पर। टीयर वन और टीयर टू में विभाजित हो चुका है, प्लीज एवरीबॉडी इस चीज का ध्यान रखें, टीयर वन और टीयर टू में पूर्ण रूप से विभाजित है। टीयर वन की बात करें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, 25-25 क्वेश्चन, 50 नंबर, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस एग्जाम, इस पर्टिकुलर टीयर वन को देने के लिए आपको 1 आवर का समय मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, टीयर वन क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट टीयर टू पर बनेगी। इज दैट क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखें। टीयर टू पर आ जाएं तो मैथ्स रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश 20, जीएजीएस 20, इन दोनों के आधार पर मेरिट बनेगी, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, हालांकि इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर अरे हल्के में ले लेते हैं, ठीक है हो जाएगा, इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं लोग, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सेक्शन 2 में अगर हम आ जाएं, यानी सेशन 2, इसमें स्किल टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाई का मतलब पास करना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। चलिए, टीयर 2 में एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखना है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। टीयर 2 के सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। सेक्शंस का मतलब सेक्शन 3 भी क्वालिफाई करना है, 2 भी करना है, 1 भी करना है, ये ध्यान रखना। सारे सेक्शंस क्वालिफाइंग, जहां से मेरिट बनेगी वो तो ठीक है, इसका मतलब वो स्किल टेस्ट और कंप्यूटर की बोल रहा है कि वो भी जरूरी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ध्यान रखना, और सेक्शन 3 यानी कंप्यूटर तक, ठीक है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग पूछते हैं कि भाई किस तरीके से स्किल टेस्ट होगा, ध्यान देना, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, एरर्स जो कैलकुलेट होंगे अप टू 2 डेसिमल्स, कंडक्टेड एज पर एज द फॉलोइंग स्कीम। देखिए, ये आपका पूरा स्किल टेस्ट का विवरण दिया है किस तरीके से कंडक्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ ग्रेड ए क्या रहेगा, द स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री वर्ड्स, ठीक है, जिसमें 15 मिनट का पेपर है, आई थिंक, है ना, 15 मिनट्स प्रिंटेड मैटर 3700 से 4000 की डिप्रेशंस का रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदर देन ग्रेड ए का है, वहां 8000 की स्पीड है, ये ग्रेड ए के लिए है, ये अदर देन ग्रेड ए है, तो यहां 15 मिनट 2000 से 2200 की डिप्रेशन का रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहां 35 वर्ड्स और 30 वर्ड्स पर मिनट है, इंग्लिश 35, हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट, ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग टेस्ट है, एवरीबडी दैट स्पेसिफिक। चलिए भैया, अब आते हैं सिलेबस पर, सिलेबस के बारे में जान लो, टीयर 1 और टीयर 2 क्या कोई बदलाव हुआ है, तो खुशी की बात यह है नहीं हुआ है, एज इट इज है। एरर के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रामबाण समझ लो, अब सुबह 8 बजे वाला सेशन, अब से एग्जाम तक अगर देख लो 10 से 12 क्वेश्चन वोकैब के सेगमेंट के हैं। 1 वर्ड है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, शफलिंग पार्ट्स, पीक्यूआरएस, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रहेंशन,
ये टीयर वन का है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, यानी रीजनिंग में, सेमांटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशंस है ना, वेन डायग्राम है, ड्रॉइंग इन्फरेंस है, एम्बेडेड फिगर्स हैं, वर्ड बिल्डिंग है, इंटेलिजेंस, अगर क्रिटिकल थिंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, तो ये इंग्लिश और रीजनिंग हो गया। मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन इत्यादि आपके टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स जरूर कवर करते हुए चलना है। मिक्सचर एलिगेशंस है, अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्कूल अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, मैंसुरेशन है, ट्रिगो है, तो ये बेसिक जो है वो सब सारी चीजें आपको यहां पर देखने मिल जाती हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस याद रखिएगा, करंट प्लस स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू पीपल नीड टू रिमेंबर फॉर एवर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वीएच जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, 40% अबव विजुअल एबिलिटी, देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप्स, मैप वगैरह का कोई कंपोनेंट नहीं होगा उनके लिए। टीयर टू में भी लगभग वही है, बस चैप्टर्स का जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। चलिए, क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप लगभग वही है, देखिए ड्राइंग इन्फरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम है, सिंबॉलिक नंबर है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग एंड एवरीथिंग। इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए ये एग्जाम पर डिपेंड करता है कितने मार्क्स चाहिए, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, तो वो एग्जाम के हिसाब से हम चीजें कैरी करेंगे, बट प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर देखें तो हमें अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो बिल्कुल आपको टीयर वन में एक अच्छा स्कोर टारगेट करके हुए चलना है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेगमेंट है। जनरल अवेयरनेस एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियन पॉलिटिक है ना, जनरल पॉलिसीज, ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाती हैं, फोकस कीजिएगा। कंप्यूटर के लिए ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बेसिक्स टीयर टू, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। पोस्ट प्रेफरेंस अभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये जब आपका बोलते हैं ना लास्ट में एक अलग से नोटिस आता है तब आपसे कहते हैं कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस भर दो, तो अभी नहीं पूछेंगे, तभी पूछा जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस बाद में होगी, फॉर्म फिलिंग में नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी 30%, ये 25% और अदर कैटेगरीज 20%, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर वन नॉर्मलाइजेशन के बाद। देयर मे बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर वन एंड आगे की जो पोस्ट होंगी डीईओ और एलडीसी, इनके लिए अलग अलग हो सकता है। टीयर टू विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन टीयर वन। टीयर टू कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन 3 सेक्शंस। टीयर टू इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस। मैरिट लिस्ट टीयर टू के आधार पर प्रिपेयर होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनका जरूर विवरण ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में और पोस्ट कीजिएगा। अभी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं होगा सलोनी, ये फॉर्म फिलिंग के बाद, एग्जाम के बाद आपसे पूछा जाता है, तब करना होता है, ठीक है। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपको इस चीज को कैरी करना है। देखिए भाई, अब अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेगुलर इस सेशन में जुड़ना है, ठीक है, तो इस चीज पर आप बिल्कुल भी सुनिश्चित हो जाइए, सारी चीजों में आपका ध्यान इंपॉर्टेंटली होना चाहिए। अब वोकैब देखो, 10 से 12 क्वेश्चन वोकैब के आपको मिलेंगे और हम लोग इस सेशन में उसको कवर करेंगे, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। शाम को 5 बजे ये आपका CHSL एग्जाम टारगेट पर है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कट ऑफ 160 प्लस अगर हम देखें है ना विगत वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी का, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है एवरीवन, ठीक है। बाकी CHSL की क्लासेस आपको पता है शाम को 5 बजे से 9 बजे तक चल रही है, ध्यान रखना। अगर आप में से कोई बेसिक से तैयारी करना चाहता है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ये आपको PW.live पर दिख जाएगा।
ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आप सभी साथियों को, ध्यान रखिए। चलिए, तो इस वीडियो के कमेंट में अगर आपका कोई अतिरिक्त प्रश्न है तो जरूर मुझे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, नाराजगी नहीं रखना है। और फॉर्म फिलिंग का एक सेशन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं 1 बजे, क्योंकि OTR से रिलेटेड कई लोगों को डाउट है, ठीक है। सैलरी में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एक बार देख लेना, सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे रेगुलर क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। जय हिंद एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। देखिए, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, इंग्लिश की जब भी बात आए परेशान मत होना, आपका भाई हमेशा आपके साथ है।